बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले और तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये बात जानकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन ये बोर्ड के जो तलबा हैं उनके लिए ये खुशी की बात नहीं है। हुकूमत को ये जो फैसला लेना पड़ रहा है और यूनिवर्सिटी ये फैसला क्यों ले रही है और तमाम तर जगहों पर वैकेशन की जा रही हैं और पेपरों को कैंसिल किया जा रहा है। एंड अदर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और तलबा के लिए दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी हैं जो आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात को आपने अच्छे से समझना है। अगर कोई बात या कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल कोशिश करता हूं आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स की कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर बाय चांस मैं रिप्लाई ना दे सकूं तो फिर उन कमेंट को रीड करके मैं उन कमेंट के ऊपर आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूं, ये आप जानते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप भी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, इससे आपके को भी पैसे नहीं लगने वाले, मुझे हौसला अफजाई होगी और ये इन्फॉर्मेशन, ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल ब्रेन एकेडमी को करें सब्सक्राइब और साथ में खड़ी घंटी को दबाकर कर दें ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। और जिन मेरी बहनों, भाइयों, स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स अगेंस्ट थैंक्स। अलामा इकबाल ऑफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्पेशली यहाँ पर मैं गाइड करता चलूँ ऑफिशियली, ये क्यों अचानक एकदम से ये फैसला लिया गया है। अभी जो छुट्टियों के पॉइंट है वो से बड़ी अपडेट आ चुकी है और एग्जाम के ऊपर जो बड़ा फैसला लिया गया है कैंसिलेशन के पॉइंट है वो से, और जो एन अदर आपके लिए अपडेट है जो आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को आपको बता देता हूँ। एक तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह से दिल से दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी की हर नई ख्वाहिश में सक्सेस हासिल करें और स्पेशली तमाम स्टूडेंट्स के एग्जाम में एक ग्रेड प्लस मार्क्स हैं, आमीन सुम आमीन। और ये अभी मुल्क के जो हालात हैं ये भी बेहतर से बेहतर हो जाएं, आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिएगा। मैं कि यार इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, हो सकता है किसी नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आमीन लिखने से मेरी दुआ कबूल हो जाए और इंशाल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल होगी क्योंकि मैंने एक अच्छी नीयत और नई ख्वाहिश की दुआ की है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 25 मई के पॉइंट वो से ऑफिशियली अपडेट आई है कि 25 मई को जो है छुट्टियाँ कर दी जाएँ, 25 वाले दिन भी छुट्टी होनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो बड़ी अपडेट आ रही है और साथ ही साथ जो है यूनिवर्सिटी की जानब से जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, ये जो वोकेशन होने जा रही है काफी ज्यादा होंगी, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बोर्ड के बच्चों को स्टडी का नुकसान होता है, उनकी प्रिपेयरिंग नहीं हो पाती, वो स्कूलों में जैसे जा रहे होते हैं रेगुलर, वो नहीं जा पाते, छुट्टियां हो जाती हैं, तो वोकेशन के पॉइंट से जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं हुई। लेकिन सुबह की छुट्टी के पॉइंट से ये फाइनली फैसले लिए जा रहे हैं कि सुबह वाले दिन छुट्टी कर दी जाए, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानब से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तलबा ये बात अपने माइंड के अंदर बिठा ले, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने वाजे अनाउंस भी कर दिया है, ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन भी मैं वीडियो की एक साइड पे लगा देता हूं, इस नोटिफिकेशन को आप खुद भी केयरफुली जो है वो रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप विजिट करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुके हैं अभी रिसेंटली, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जितने भी पेपर जो टेस्ट पेपर थे उनको फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया है और बाकी जो ऑनवर्ड्स तलबा के पेपर एग्जाम सेंटर के अंदर लिए जा रहे हैं अभी सूरत और कंडीशन को देखते हुए ये पेपर भी कैंसिल होने के पास पास हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई अपडेट नहीं आई, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जल्दी अपडेट आ जाएगी, मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।